गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी नेवी डबल एस एस आर के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एज लिमिट है नेवी डबल एस एस आर के लिए वो 1 साल कम हो गई है। तो उसमें काफी सारे, सबसे पहले मैंने कोशिश करी थी कि आपको इन्फॉर्म करूं, बट बदले मुझे क्या मिला, उसमें काफी सारे कमेंट्स आए कि एक फेक न्यूज है, व्यूज पाने के लिए फेक न्यूज बनाता है। बट अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने ही दोबारा कमेंट किया कि एक फेक न्यूज नहीं है, और उन्होंने सॉरी भी बोला, तो ये काफी अच्छी बात है। और आज की इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। आप वीडियो पे आ चुके हो तो वीडियो पे बने रहिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ये कंफ्यूजन निकल जाएगी, आपको कोई भी और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। नेवी डबल एस एस आर, क्या अब उम्र 1 साल और कम हो गई, ये बताऊंगा, और ये एक फेक न्यूज है या रियल न्यूज है ये बताऊंगा, और क्या 20 साल से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताऊंगा। और एक बात यहाँ पे और निकल के आती है, जो वहां पे लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग के दौरान, इनरोलमेंट के दौरान अगर उस टाइम पे आपकी 20 नहीं है तो क्या आप बाहर कर दिए जाओगे, मतलब आपने सारे फॉर्म भरे, आपने एग्जाम दिया, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तब आपकी उम्र 20 साल से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो क्या उस समय आप बाहर कर दिए जाओगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है लोगों के मन से। तो ये इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं, जहां मैं पिछली बार जो लोग फेक क्यों कह रहे थे उनपे तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि यार मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूँ फिर भी फेक बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एज फॉर एसएसआर कैंडिडेट, सेम आपके लिए डबल ए के लिए है, शुड बी बिटवीन 17 to 20 ईयर्स ऑन द डे ऑफ एनरोलमेंट। डे ऑफ एनरोलमेंट का मतलब होता है उपस्थिति के दिन, उपस्थिति के दिन मतलब आप ट्रेनिंग के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, आपकी जो 17 से 20 हो गई है गाइस, ये सच है, और आपका 1 साल का नुकसान हो गया है। जो लोग वेट कर रहे थे अभी वो 20 के थे, बट अब वो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई था जो 20+ है, ठीक है, 21- था, ठीक है, तो वो अप्लाई अभी कर सकता था, बट अब ध्यान रखिए गाइज, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप 20+ हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइज, आपका नुकसान तो हो गया 1 साल, ठीक है। अब आप कोशिश करिए कि आपके घर में जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, कोशिश करिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डबल एसएसआर क्रॉस करिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है, इतना टाइम आपको नहीं दिया जा रहा है। पहले 17 से 21 था, बट आप अब 17 से 20 है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, डे ऑफ इनरोलमेंट, क्या आप ज्वाइनिंग के दिन, अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो क्या आप बाहर कर दिए जाओगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डबल एसएसआर का, जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी रहती है, ठीक है, तो वहां पे आपको एकदम एक एक महीना एक एक दिन काउंट करके दिया जाएगा। जैसे लिखा रहता है कि इतनी डेट ऑफ बर्थ से इतनी डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज वहां पे एकदम काउंट करके दी जाएगी। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आप उसमें देख लीजिएगा कि आपकी एज लिमिट है कि नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें देख के ही जान सकते हैं। अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें एज लिमिट दी रही होगी कि इतने से डेट ऑफ बर्थ के बीच, इतने डेट ऑफ बर्थ के बीच आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये मत सोचिएगा। इतना मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर जो डेट ऑफ बर्थ उसमें दी रही होगी, डेट ऑफ बर्थ के बीच में, अगर उस इन दोनों में के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी तो आप अप्लाई करोगे। इसके बाद अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम पे 20+ भी हो जाते हो तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस यार, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज़ ऐसे निगेटिविटी मत फैलाया करिए।